फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। ये मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो इस एजुकेशनल चैनल पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का डेली एनालिसिस वीडियो मिलेगा और कुछ स्विंग ट्रेड्स भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं और लाइव भी हम यहाँ पे करते हैं। तो आपको अच्छे खासे आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प हो जाएगी, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सको। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, यहाँ पे अगर आपको जुड़ना है, यहाँ पे हम फ्री में एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए कुछ कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, लेवल्स प्रोवाइड करते हैं लाइव मार्केट में। तो ये वाला जो राइट हैंड कॉर्नर में आपको जो QR कोड दिख रहा है, ये मोबाइल से आप स्कैन करके इस चैनल से जुड़ सकते हो। आज अगर देखेंगे तो हमने एक निफ्टी का कॉल दिया था, उसके बाद में एक फिन निफ्टी का 0-0 भी ट्रेड हमने दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे। 21,600 का सी हमने दिया था 110-112 पे, जिसने लगभग 172 का 72 का हाई लगाया है। हमने यहाँ पे 110 पे बाय किया था और 150 पे हमने क्लोज किया था जिसे। और फिन निफ्टी का 0-0 अगर देखेंगे तो 50 से 55 रुपीज़ मैंने बाइंग दिया था 21,300 का सी, जो 66 का हाई लगा चुका है। तो बहुत ही अच्छा आपको लर्निंग मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे। तो आप अगर नए हो तो इससे जुड़ सकते हो। तो चलिए, अब मार्केट ने क्या किया और मार्केट कल क्या कर सकता है, ये लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के लिए, तो ये वाला हम देख लेते हैं। तो आज अगर देखेंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त माराबुजू कैंडल के साथ में 48,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर था, ये जो लेवल था 48,000 का, ये हमने पहले से ही मार्क किया हुआ है। ये लेवल्स हमने निकाल के रखे हुए हैं पिछले, अगर मार्केट एनालिसिस वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये मैंने कम से कम ये जो लेवल्स थे ये मैंने एक महीने पहले ही ड्रॉ करके रखे हुए थे, जो अपर साइड के भी और नीचे की साइड पे जो लेवल्स हैं ये मैंने प्रिडिक्ट किए हुए लेवल है, वो अभी तक मैंने डिलीट नहीं किए क्योंकि ये अभी तक वैलिड है, इसलिए मैंने ये लेवल अभी तक डिलीट नहीं किया है। और कल का भी एनालिसिस अगर देखेंगे आप तो मैंने ये वाले जो लेवल है ये आने वाले है, ये मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था ये जो लेवल 7। तो अगर देखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग आज मार्केट में देखने हमें मिला है, जो कि 48,000 क्रॉस कर दिया है मार्केट ने, उसके नीचे कैंडल हमें क्लोजिंग मिला है। लेकिन जिस तरह से ये एक माराबुजू कैंडल जो बनी है ना, इससे समझ में आता है कि सेलर्स अभी एग्रेसिव हो रहे हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन मोड में जा सकता है। तो कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, चलिए हम बात कर लेते हैं। पहले निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट जैसे ही खुला, यहाँ पे मार्केट जो यहाँ से खुला है तो शुरू से ही थोड़ा सा मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की, उसके बाद में कंटिन्यू सेल अप आता रहा। तो अभी कल के लिए जो है 48,000 हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इस 48,800 के ऊपर, 830 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो हम 200 पॉइंट का मूव यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, जो कि 48,000 तक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें लॉन्ग्स पोजीशन थोड़ी संभल के और कम क्वांटिटी में अभी ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट में सेल ऑफ आना चालू हो चुका है। जैसे कि देख रहे हो आप, यहाँ पे कल के क्लोजिंग सेशन में भी एक बड़ा वाला माराबुजू कैंडल बना था और आज भी 48,000 जो लेवल ब्रेक हुआ है, ये भी एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सा माराबुजू कैंडल है, जिसे माराबुजू हम बोलते हैं। तो अगर मार्केट कल लॉन्ग्स अगर करना है तो मोस्टली प्रेफरेबल रहेगा 48,000 के ऊपर ही, अगर आपको बड़े वाले टारगेट्स लेने हैं। तो 48,000 के ऊपर क्या प्राइस एक्शन बनाता है, मार्केट होल्ड करता है या नहीं करता है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे नीचे के जो टारगेट है 47,573, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है। सेकंड टारगेट 47,450 का होने वाला है। और उससे भी अगर मार्केट नीचे निकलता है तो नीचे का जो लेवल है हमारा, ये वाला लेवल होने वाला है, जो कि है 47,230, ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ एक बार, ये वाला जो है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। तो हो सकता है ये वाला जो सेल ऑफ है ये कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 500 जो है, 47,500
एक ये सपोर्ट जोन है मार्केट के पास, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला। अगर आप देखेंगे पीछे मार्केट ने काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट करके सपोर्ट लेके बाउंस किया हुआ है, ये 47,500 का। और ये जो गैप रीजन था ये भी फिल हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए। अगर 500 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे के टारगेट जो है हमें देखने मिल सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा सेल ऑफ हमें देखने मिल सकता है, जो कि हमें आने वाले वीक में जो है 47,000 तक लेके जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कल ही हो जाए ये पूरा बड़ा वाला सेल ऑफ, लेकिन स्लो एंड स्टेडी हम ये वाले लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हमें जो 47,000 का जो टारगेट है ये हमें देखने मिल सकता है। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो और नीचे की साइड में ये वाला जो लेवल है 700 का, इसको ब्रेक कर दे तो हम नीचे की साइड के ये वाले टारगेट देख सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 48,000 के ऊपर तो हम लॉन्ग्स के पोजीशन देखेंगे, तब तक प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे। शुरू में ही कूदना नहीं है, तो 48,000 के ऊपर अगर कोई प्राइस एक्शन मार्केट बनाता है तो हम लॉन्ग्स के लिए जा सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो निफ्टी का कर लेते हैं एक बार, निफ्टी का एनालिसिस क्या है। निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में मार्केट ने यहाँ पे सेल ऑफ आने के बाद क्लोजिंग जो है हमें ऊपर की साइड में मिला है। और ये वाला जो हमने लेवल निकाला था ये एक पैटर्न बन रहा था लाइव मार्केट में, हमने इसका दिया था अपडेट, इसके ऊपर हमने ट्रेड भी लिया है। तो कल मैंने जो बोला था तो वो लेवल्स यहाँ पे आ चुके हैं, जो कल हमने बोला था कि ये वाला अगर लेवल मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है, जो कि ये वाला लेवल था 680 का, इसके नीचे आप एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये वाला होने वाला है जो कि 21,600 मैंने बोला था। उसके हालांकि नीचे गया था मार्केट, वहाँ से फिर एक बाउंस आया, तो ये वाला हमने कॉल टेलीग्राम चैनल पे लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने प्रोवाइड किया था। तो अभी अगर देखेंगे हमें क्लोजिंग जो मिली है निफ्टी की 21,665 का मिला है, जो कि यही पे है ये वाला। तो अगर निफ्टी कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट अगर ओपन होता है और ये वाला जो पैटर्न बन रहा है इसका अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमारा यही सेम कल के जैसा ही लेवल होने वाला है। ये अगर स्विंग लो जो है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ एक बार, ये वाला जो स्विंग लो है इसे अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, जो कि 21,630 का जो स्विंग लो है ये अगर ब्रेक करता है तो 600 तक फर्स्ट टारगेट होने वाला है हमारा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बार, आप इसे 600 कंसीडर करके चल सकते हो, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो है हमारा ये वाला होने वाला है, जो कि ये डेलो है, आज का जो डेलो है ये हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है निफ्टी में। मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ एक बार, ये वाला जो है ये हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है, ये डेलो जो है आज का ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और थर्ड टारगेट जो है, और फर्दर नीचे के जो टारगेट है, तो थर्ड टारगेट जो है 21,530 का होगा, और उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो ये वाला 500 का 21,500 हमारा फाइनल टारगेट होने वाला है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो यहाँ पे मार्केट एक बार के लिए सपोर्ट ले सकता है। तो ये थे निफ्टी के लिए डाउनसाइड के लिए लेवल्स। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलता है या गैप अप अगर ओपन होता है तो ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्ट होने वाला है, 21,700 का जो लेवल है। इसके ऊपर अगर कुछ मार्केट सस्टेन करता है तो हम लॉन्ग्स के पोजीशन बना सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट जो होने वाला है फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला, जो कि यहाँ से मार्केट ने फॉल किया था, ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर यहाँ पे 700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 750 या 60 का अपना लेवल पकड़ के, 21,750 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और जो सेकंड टारगेट होगा ये वाला जो है, ये हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है निफ्टी में, जो कि है 21,800 का। ये वाले ऊपर की साइड में हमारे लिए लॉन्ग्स के पोजिशन टारगेट्स बनेंगे, और डाउन साइड के जो है ये वाले टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। तो अभी तक अगर आपको अपने अगर यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।